व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं अमित फिट चैनल। तो देखिए गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक हेल्दी प्रोटीन रेसिपी लेके आया हूँ, जो मेरे भाई हैं जो सप्लीमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये गाइस, ये प्रोटीन मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। देखिए गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रोटीन हम अपने घर पर बना सकते हैं। इसको हम होम मेड प्रोटीन शेक बोलते हैं, जो हमारी मसल्स को बिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। आप एक बार इसका इस्तेमाल करें और अपनी मसल्स को गेन करें। मैं 100% बताता हूँ आपको, इसको पीते ही आप मसल्स गेन होंगी। देखिए गाइस, मैं सप्लीमेंट के भरोसे नहीं रहता, क्योंकि गाइस जो हमारी जो रियल मेडिसिंस है वो न्यूट्रिशंस है, चाहे आप मसल्स बिल्ड करें या फैट लॉस करें। और गाइस, मैं बताना चाहता हूँ दूसरी बात, देखिए गाइस, ये हमारी जो न्यूट्रिशंस, अगर हम न्यूट्रिशंस को अच्छे रखेंगे तो हम अपने अंदर के ऑर्गन्स को भी स्वस्थ रखेंगे, चाहे इसमें हमारा हार्ट है, ब्रेन है, लीवर है, किडनी है, या जो भी है, जिससे हमारा डाइजेस्टिंग भी अच्छा रहेगा। तो गाइस, आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए गाइस, देखिए गाइस, हमें एक हेल्दी प्रोटीन शेक बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ये बिल्कुल नेचुरल प्रोटीन शेक है, जो हमारी मसल्स बिल्ड करने में हमारी बहुत ही बढ़िया मदद करेगा। देखिए गाइस, जो मेरे भाई हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि वो सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि जो नेचुरल प्रोटीन है, जो हमारी न्यूट्रिशंस है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आइए गाइस, मैं बताता हूँ हमें इस प्रोटीन शेक को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो देखिए गाइज, ये है नॉन फैट मिल्क, जो हमें 200 मिलीग्राम चाहिए, हाफ कप ओट्स एंड थोड़ा हा मैंगो, 5 egg, एंड मुझे हमें बनाना चाहिए, ये फ्रोजिस बनाना है, देखिए गाइज, और 5 gram सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर। तो आइए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इनको अच्छी तरह से एक अपने जार में मैश कर लेते हैं। तो आइए गाइज, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइज, मैंने अपने जार के अंदर अपने एग हैं वो तोड़ लिए हैं। देखिए गाइज, मैं बताना चाहता हूँ कि हमें जब भी अपना प्रोटीन शेक बनाना हो तो उसमें हम वाइट एग का यूज़ करेंगे, होल एग का नहीं करेंगे, क्योंकि गाइज होल एग के अंदर 5 gram फैट होता है, जो कि सैचुरेटेड फैट होता है, हमारे हार्ट के लिए नुकसानदायक है। तो आइए गाइज, ये मैंने अपने उसमें हम एक अपना रोजेस बनाना डालेंगे। ये गाइज, हमने थोड़ा इसमें अपना मैंगो डाल लिए। ये गाइज, हमने अपना ऑन फैट मिल्क डाल दिया। ये देखिए गाइज, ये हमारा ओट्स पाउडर, अब मैं इसको डाल रहा हूँ। और गाइज, मैं बताना चाहता हूँ 5 gram मैं इसके अंदर अपना दालचीनी पाउडर डालूँगा। तो आइए गाइज, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइस, ये हमारा प्रोटीन शेक है वो तैयार हो गया। तो गाइस, मैं इसकी माइक्रो की अगर बात करूँ तो 5 egg whites है, जिसके अंदर हमें 20 gram प्रोटीन मिलता है, 200 mg नॉन फैट मिल्क है, जिससे हमें 6 gram प्रोटीन मिलता है, 1/2 cup ओट्स पाउडर है, जिससे हमें लगभग 6 gram प्रोटीन मिलता है, और गाइस 1/2 बनाना है, एंड थोड़े ही मैंगो हैं, 1/2 cup मैंगो हैं। तो गाइस, ये हमारा जो प्रोटीन शेक है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसके अगर माइक्रो की अगर बात करूँ तो इसके अंदर टोटल जो प्रोटीन है गाइस वो 30 gram है, और कार्बोहाइड्रेट है गाइस वो ऑलमोस्ट 30-35 gram कार्बोहाइड्रेट है। और इसके अंदर गाइस हमें, ये हमारी पोस्ट वर्कआउट मील है गाइस, जिसमें हम फैट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस
पोस्ट वर्कआउट में हमें फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन चाहिए जो हमारी मसल्स को जल्द ही रिपेयर कर सके। तो गाइज ये वे प्रोटीन के मुकाबले थोड़ा सा स्लो डाइजेस्टिंग है, ये 20 से 30 मिनट में डाइजेस्ट होता है, 20 से 30 मिनट लगते हैं इसको डाइजेस्ट होने में। तो गाइज जो मेरे भाई हैं जो सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते वो इसका इस्तेमाल करें और अपना एक बढ़िया फिजिक तैयार करें, अपने जो गोल हैं मसल्स बिल्ड फैट लॉस जो भी हैं वो अपने गोल पे फोकस करें। ये प्रोटीन शेक है आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आई लव यू।